हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस मंथ के लिए बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है लगभग 1.5% नीचे, 512 पॉइंट लॉस के साथ। लास्ट मंथ हमने लगभग 230 पॉइंट का लॉस देखा था। इस महीने हमने लोअर लेवल से अच्छा खासा रिकवरी देखा है, मगर फिर भी एक लॉन्गर टर्म चार्ट पे यहाँ करेक्टिव पैटर्न दिख रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ऊपर के लेवल पे मार्केट जो है तो सस्टेन हो पाएगा। आने वाले महीनों में हम जो है तो महीनों और हफ्तों में फिर से नीचे के लेवल जो है तो टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है। नीचे यहाँ जो है तो 30,000 का एक लेवल दिख रहा है हमें, उसको टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है। उसके नीचे जाते हैं तो हम लॉन्ग टर्म बियर मार्केट में जा सकते हैं, जिसमें जो है तो फिर से आपको धीरे धीरे मार्केट ये 16,000 के लेवल की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। अगर हम 30,000 के नीचे मंथली बेसिस पे 1 से 2 महीने ट्रेड करते हैं तो हम धीरे धीरे और स्लोली 16,000 के लेवल की तरफ बढ़ेंगे। करंटली मार्केट करेक्शन में है तो उसका टारगेट है 30,000। यहाँ मंथली चार्ट पे लास्ट मंथ हमने लगभग फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग देखी थी। इस महीने हम लोअर लेवल से रिकवर हो चुके हैं, मगर फिर भी हम लगभग 500+ पॉइंट जो है तो नीचे ट्रेड कर रहे हैं। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो लास्ट वीक जो है तो हमने 1100 पॉइंट की रैली देखी थी, लगभग 3.5% ऊपर बंद हुआ था बैंक निफ्टी। इस हफ्ते जो है तो 4% लगभग 1400 पॉइंट जो है तो बैंक निफ्टी रिकवर हुआ है। तो दो ही वीक में हमने लगभग ये 1100 और ये लगभग 1400 तो 2500 पॉइंट लगभग 2500 पॉइंट की रैली देखी है। और यहाँ बैंक निफ्टी जो अभी ट्रेड कर रहा है वो उसके 50 वीक एवरेज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक रिजेक्शन आना चाहिए, मार्केट जो है तो ये लेवल शायद क्रॉस नहीं कर पाएगा। और मंडे के दिन हमें जो है तो देखने को मिल सकता है कि मार्केट जो है तो मेक और ब्रेक जोन में चला जाएगा। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो आपको फिर से नए लो देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में, जो रहेंगे 33,200 और उसके बाद में 30,500 के लेवल जो है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट जो है तो 35,700 के ऊपर या 800 के ऊपर 1 से 2 हफ्ते होल्ड करता है तो आपको जो है तो हो सकता है कि यह ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल जाए। और उसकी पॉसिबिलिटी मुझे जो है तो जिस तरह से प्राइस पैटर्न है उस तरह से मुझे लगता है कि उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मार्केट हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर दे, मगर उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन हो पाएगा। और फिर से लॉन्ग थे उनको ट्रैप करने के बाद फिर से मार्केट जो है तो डाउन ट्रेंड जो है तो कंटिन्यू कर देगा, या फिर जो करेक्टिव ट्रेंड है लॉन्ग टर्म उसको कंटिन्यू कर देगा। अभी यहाँ देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है तो अभी 200 डेज का जो एवरेज है उसको उसके तरफ बढ़ रहा है। हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 50 डेज का जो एवरेज है उसको क्रॉस किया है और यहाँ 200 डेज का जो एवरेज है वो 35,950 के अराउंड है। तो उसको टेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी ज़रूर जाएगा और मंडे के दिन मुझे लगता है कि उसी लेवल से जो है तो आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट में। नीचे जो है तो फिर से आपको 35,400 और उसके नीचे जाते हैं तो आपको जो है तो फ्रेश लो देखने को मिलेगा, जो रहेगा इस टाइम 33,000 के नीचे। तो जैसे मार्केट 35,400 के नीचे जाता है तो आपको मार्केट में एग्रेसिवली शॉर्ट जाना है विद द स्टॉप लॉस, और जिसके टारगेट रहेंगे 33,000 और उसके नीचे के टारगेट आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। करंटली बाउंस बैक मोड में मार्केट और हो सकता है कि 35,950 36,000 के लेवल जो है तो बैंक निफ्टी दिखा सकता है। अगर यहाँ से ही रिजेक्शन आ गया मार्केट में तो आपको जो है तो एक फ्रेश और अच्छे खासी सेलिंग जो है तो आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है, जो बैंक निफ्टी को लेकर जाएगी फ्रेश लो की तरफ। और हमें फ्रेश लो देखने को मिलेगा 33,000 के नीचे इन अपकमिंग डेज टू वीक्स में, ये लो आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ परफेक्ट शॉट बनता है, मगर अगर बैंक निफ्टी 35,400 के नीचे क्लोजिंग देता है तो ही आपको जो है तो एक एग्रेसिव और बड़ी शॉर्ट पोजीशन बनानी है मार्केट में, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। करंटली मार्केट बाउंस बैक में है तो आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो 35,950 का लेवल। यहाँ मोस्टली मैं शॉर्ट साइड ही ज्वाइन करने के लिए प्रीफर करूँगा। आई विल नॉट टेक अ लॉन्ग ट्रेड, और लॉन्ग ट्रेड लेनी भी है मुझे तो सिर्फ इंट्राडे में। आई विल नॉट कैरी एनी लॉन्ग ट्रेड क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है, और आई विल मोस्टली प्रीफर डाउन ट्रेड और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट।
ऑप्शन ट्रेडर जो है, तो मुझे लगता है कि आपको 36,000 का जो पुट ऑप्शन है इन द मनी उस पर फोकस करना है, उसमें आपको डिप्स पे एक्युमुलेट करना है, उसमें लगभग 40-50% का स्टॉप लॉस और जो टारगेट बनेंगे आपके वो 2x to 3x टारगेट बनेंगे, मगर आपको फोकस करना है इन द मनी 36,000 का जो पुट ऑप्शन है उस पर फोकस करना है, आपको जो उसके जो टारगेट है वो आपको आने वाले 1-2 हफ्ते में देखने को मिल जाएंगे। और ये मैं मंथली ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ना कि वीकली। आपको जो है तो ट्रैक करना है 36,000 का पुट ऑप्शन, और जैसे आपको रिवर्सल मिले उसमें जो है तो एक्युमुलेशन स्टार्ट कर देना है, आपको 2x to 3x गेन इजीली आपको देखने को मिल जाएंगे इन जून सीरीज, जून और जुलाई के सीरीज में आपको जो है तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा उठा पटक और नीचे के लेवल जो है तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग लोअर लेवल्स इन मार्केट, ऊपर के लेवल जो है तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट सस्टेन कर पाएगा। मेरा जो व्यू है मोस्टली बेरिश साइड है, और मुझे लगता है कि इस बार जब मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको फ्रेश लो और हो सकता है कि 30,000 का भी लेवल जो है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल जाएगा। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है यार आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको मेरे प्रीमियम कॉल चाहिए तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और ज्वाइन कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.